आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सोमवार सुबह अदमादौला थाने में उस समय हंगामा हो गया जब एक पूर्व पार्षद ने वहां पर आत्मदाह करने का प्रयास किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे थाना अदमादौला में उस समय हंगामा हो गया जब समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व पार्षद संजय बघेल ने आत्मदाह का प्रयास किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पूर्व पार्षद किस तरह थाना पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके साथ हद दर्जे की बदसलूकी की है। अरे हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं डेली थाने में खाना देने आता हूँ, समाज से भी आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ आपके साथ कंधा मिला के। अब ये नौबत आ गई कि कुछ लोग दोषी हो सकते हैं। पूर्व पार्षद संजय बघेल गत दिनों पुलिस के साथ नुनिहाई के लोगों की मारपीट मामले में हो रही पुलिसिया कार्रवाई का विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। पूर्व पार्षद का कहना है कि वो पुलिस पर हमले वाले व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आरोपी के अलावा अन्य निर्दोष लोगों का उत्पीड़न कर रही है जो सर्वथा अनुचित है। बिना महिला पुलिसकर्मी के रात को दबिश के लिए पुलिस जाती है तो महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल पुलिस करती है जो सर्वथा अनुचित है। वहीं इलाका पुलिस पूर्व पार्षद के खिलाफ थाना परिसर में आत्मदाह का प्रयास करने और लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की तैयारी में जुटी थी। इस मामले में पुलिस कर्मियों का कहना था कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूर्व पार्षद के आरोप बेबुनियाद है। विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।